हर साल की तरह आज 13 अप्रैल के दिन राजौरी डे के मौका पर हिंदुस्तानी फौज की तरफ से गुज्जर मंडी मेमोरियल पर एक प्रोग्राम को मुनक्कित किया गया है, जिस प्रोग्राम के दौरान उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की जा रही है जिन्होंने 1948 में इस सरजमीन को हमला करने वाली फोर्सेज के चुंगल से आज़ाद करवाने में जामे शहादत पिया, अपनी जान निछावर की और उसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने इस इलाके को आज़ाद करवाया। आज फौज ने सिविल इंतजामिया व सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ मिलकर उन तमाम फौजी जवानों के अलावा सिविल लोगों को भी श्रद्धांजलि पेश की है जिन्होंने 1948 में राजौरी की आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं राजेंद्र गुप्ता राजौरी निवासी, आज 13 अप्रैल बैसाखी का दिन मैं कहूँगा कि सारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हुआ उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भी आज़ाद हुआ, मगर बदकिस्मती रही तब की हमारी सरकारों ने या हमारी जो बड़ी लीडरशिप थी उसने टाइम पे एक फैसला ना लिया, हमारी यहाँ पे फौजें नहीं पहुँच पाई। इतनी देर पाकिस्तान ने अपनी फौज को गुरिल्ला बना के हमारे बॉर्डर के पार कर